आज की जो ये खूबसूरत सी शाम है, हमारे इतने प्यारे श्रोता सामने बैठे हुए हैं और साथ ही हमारे इतने अच्छे कलाकार मंच पर बैठे हुए हैं, जावेद अली जी आज हमारे साथ में हैं। तो आज की जो पूरी शाम है, इस पूरी शाम को कंडक्ट किया है, मैनेज किया है मेरे को होस्ट श्री हेमंत कुमार महाले जी, जिनका एक छोटा सा परिचय मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगी। इन्होंने पिछले 40 सालों से इस इंडस्ट्री में इन्होंने काम किया है और पब्लिक इन्हें शोमैन के नाम से भी जानती है, शोमैन का खिताब भी दिया है पब्लिक ने इन्हें, और इन्हें वन मैन आर्मी भी कहा जाता है क्योंकि एक साथ 100 से भी ज़्यादा म्यूजिशियंस एक मंच पर सिंगर्स के साथ में ऐसी खूबसूरत और ऐसी प्यारी इवनिंग, ऐसे कॉन्सेप्ट शोज इन्होंने कंडक्ट किए हैं और ये अपने कॉन्सेप्ट शोज के नाम से बहुत ही अच्छे से जाने जाते हैं। इनका म्यूजिक सेंस बहुत अच्छा है और अगर हम इनके चैनल की व्यूअरशिप की बात करें तो हेमंत कुमार म्यूजिकल ग्रुप, जो कि वर्ल्ड का नंबर वन म्यूजिकल ग्रुप है, जिसकी यूट्यूब चैनल पर 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा व्यूअरशिप है, इस पे तालियां होनी चाहिए एवरीबॉडी, उनको मैं यहाँ पर मंच पर बुलाना चाहूँगी। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं श्री हेमंत कुमार महाले जी का, एवरीबॉडी बिग हैंड। रफ़ी और सूफी, आपने रफ़ी साहब के ढेर सारे गाने सुन लिए हैं, अब बारी है कुछ सूफी सॉन्ग्स की। सूफी सॉन्ग्स क्या होते हैं, जावेद जी आपके सामने ये पेश करेंगे। अभी 6 सूफी सॉन्ग्स आपके सामने पेश होने वाले हैं और फिर जो सेकंड हाफ है वो कंप्लीट रफ़ी साहब के गीतों का है। सूफी सॉन्ग गाने वाले सबसे ज़्यादा मशहूर इंडिया के जो प्लेबैक सिंगर हैं, जावेद अली जी, उनको मैं स्टेज पर दावत देता हूँ, ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत हो जाए। सबसे पहली बात तो ये एक बहुत ही जुदा चीज़ है, बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि रफ़ी एंड सूफी, पहले बताइए आपको टाइटल कैसा लगा? और क्योंकि सूफ़ी में थोड़ा सा खुले अंदाज से गाते हैं, थोड़ा खुला अंदाज होता है सूफ़ी में, और जो हम रेट्रो गाने गाते हैं, स्पेशली रफ़ी साहब के अगर गाने गाएं, तो उसमें थोड़ा वॉइस में वार्म्थ ज़रूरी है, अगर वो नहीं है तो कुछ मिसिंग होता है, दिल में नहीं पहुंचेगा। तो ये डिफरेंस है सूफ़ी में और रेट्रो में। सूफ़ी के बहुत सारे अलग अलग ख्यालात हैं लोगों के दिलों में, लेकिन मुझे जो बताया गया है वो ये है कि सूफ़ी एक ख्याल है, इमेजिनेशन है, कि सूफ़ी में आप किसी से भी नस्बत कर सकते हैं, किसी से भी कनेक्शन जोड़ सकते हैं, उसका नाम होता है सूफ़ी। चाहे आप किसी से प्यार करते हैं, चाहे ऊपर वाले से प्यार करते हैं, चाहे उसकी लॉ लगाते हैं, तो इसका नाम सूफ़ी मैं समझता हूँ कि होता है। और आइए इसी के साथ मैं मेरे गाए हुए कुछ चंद सूफ़ी गाने और कुछ मेरे फेवरेट गाने जो मैंने नहीं गाए हैं वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। तो सबसे पहले एक बहुत ही कमाल, मेरा बहुत फेवरेट गाना है फिल्म ओमकारा से, नैनों की मत मानियो। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, हो नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे नैना ठग लेंगे, जगते जादू फूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे, नैना बन जा
नजर कर देंगे नैना ठग लेंगे ओ नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे नैनों की मत मानियो रे नैनों को तो डसने का चस्का लगा रे भला मंदा देखे ना पराया ना सगा रे नैनों को तो डसने का चस्का लगा रे नैनों का जहर नशीला रे नैनों का जहर नशीला बादलों में सतरंगियां बोवे भोर तलक बरसावे बादलों में सतरंगियां बोवे नैना बावरा कर देंगे नैना ठग लेंगे ओ नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे नैनों की मत मानियो रे जबान पे भरोसा नहीं आता लिखत पढ़त न रसीद न खाता नैनों की जबान पे भरोसा नहीं आता लिखत पढ़त न रसीद न खाता सारी बात हमारी रे सारी बात हमारी बिन बादल बरसाए सावन सावन बिन बरसाता बिन बादल बरसाए सावन नैना बावरा कर देंगे नैना ठग हो नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे नैना
थैंक यू। आइए, हाँ जी हाँ, एक और नहीं, दो तीन और होता है। अभी मैं आपको एक और बहुत ही मेरा फेवरेट गाना फिल्म अनवर से सुनाता हूँ। Anybody guess which song is that? मौला मेरे मौला। बहुत ही कमाल सब सिंगर्स हैं ये, आपने इनको AR रहमान साहब के शोज में देखा होगा, ये सब उन्हीं के स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं के कॉलेज से हैं, तो ज़ोरदार तालियां इनके लिए। मैं रहूं
थैंक यू सो मच. आइए अब आपको मैं वो गाना सुनाता हूँ जिस गाने के लिए आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, और ये गाना एक मेरे लिए एक सौगात बनकर आया है, क्योंकि जहाँ भी मैं जाता हूँ अगर मैं ये गाना नहीं गाता तो वो शाम कंप्लीट नहीं होती है. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस गाने की, फिल्म दिल्ली सिक्स से मौला मेरे मौला अर्जियाँ गाना. और ये गाना आप सभी जानते हैं एआर रहमान सर की कंपोजिशन है, और कंपोजिशन जितनी खूबसूरत है उतने ही इस गाने की जो लिरिक्स हैं अगर आप ध्यान से सुनेंगे कि दरारें दरारें हैं माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला. कितना कमाल लिखा है प्रसून जोशी जी ने. मैं चाहूँगा एक बार रहमान साहब के लिए और प्रसून सर के लिए ज़ोरदार तालियां हो, और कुछ तालियां मेरे लिए भी हो जाएं.
जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया प्यास लेके आया था दरिया को भर लाया नूर की बारिश में भटकता जाता था रेशमी सी माया थी और मैं थकता जाता था जब तेरी गले आया सच तभी नजर आया जब तेरी गले आया सच तभी नजर आया मुझ में ही वो खुशबू थी जिससे तूने सो मच एक बार जोरदार तालियां हमारे बैकअप सिंगर्स के लिए बजा दीजिए अगला गाना फिल्म रॉकस्टार से है और गाने के बोल हैं कौन फाया कौन या निजामुद्दीन
औलिया या निजामुद्दीन सरकार ओ कदम बढ़ा ले हदों को मिटा ले आजा खालीपन में पिका घर तेरा तेरे बिन खाली आजा खालीपन में तेरे बिन खाली आजा खालीपन में रंग रेजा kun paya kun jab kahi pe kuch nahi bhi nahi tha vahi tha jab kahi pe kuch तुझ में समाया वो जो तुझ में समाया मौला वही माया वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया मौला वही माया चाहे मन रंग रेजा रंग मेरा तन मेरा मन ले ले रंगाई चाहे तन चाहे मन सजरा सवेरा मेरे तनवर से कजरा अंधेरा तेरी जलती लो सजरा सवेरा मेरे तनवर से कजरा अंधेरा तेरी जलती लो कतरा मिला जो तेरे दर पर से ओ मौला मौला
जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था कुन पाया कुन कुन पे करम सरकार तेरा अर्ज तुझे कर दे मुझे मुझसे ही रिहा अब मुझको भी हो दीदार मेरा कर दे मुझे मुझसे ही रिहा मुझसे ही रिहा जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था कुन पाया कुन कुन पाया कुन सदा सदका रसूल नबीउल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइए एक गाना मैं शायद आपने ये गाना सुना ना हो या सुना हो लेकिन कम सुना है ये गाना और ये गाना एक फिल्म आई थी डी डे जिसमें ऋषि कपूर थे और इसका म्यूज़िक किया था शंकर एहसान लॉय ने तो ये गाना जब आप जैसी ख़ास ऑडियंस हो तब गाया जाता है वरना मैं नहीं गाता ये गाना तो ये गाना मैं आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ फिल्म डी डी से मेरा मुर्शिद खेले होली छोटा तीर जो उसके कमान से
जरागे जित लगना चोरी लिखी है भाग में तेरे तो क्या सोना क्या जगना हो सावत सुहा रंग सब के नसीब दा रंग नसीब दा खेले दुख सुख आँख में चोली ओ खेले सुख दुख आँख में चोली जीवे तू जावे तू मेरे सारे जहां में तू जीवे तू जावे तू मेरे सारे जहां में तू ओ सावत सुहा रंग सबके नसीब दा खेले सुख दुख आँख में चोली मेरा मुर्शिद खेले होली मेरा मुर्शिद खेले होली यारा रंग है उसका नारा मेरा मुर्शिद खेले होली मेरा मुर्शिद खेले होली प्याला छिड़के अपने घर मगा सब संसारा हो इश्क दा रंग है न्यारा तेरे इश्क दा रंग है न्यारा तेरे इश्क दा रंग है न्यारा इश्क दा रंग है न्यारा जीवे तू जावे तू मेरे सारे जहां में तू जीवे तू जावे तू मेरे सारे जावे तू ओ उसकी रंगत मेरी आदत उसकी चाहत एक इबादत उसकी रंगत मेरी आदत है उसकी चाहत एक इबादत है उसके होने से कामत है उसकी नजरों से सबकी बरकत जिसके हाथ है जिसके डोरी मेरा मुर्शिद के रे होरी मेरा मुर्शिद के रे होरी प्याला छिड़के अपने गरम का 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 रंग दे सब संसारा हो इश्क दा रंग है इश्क दा रंग है न्यारा मेरे इश्क दा रंग है न्यारा मेरे इश्क दा रंग है
आइए अब आपको सूफी सेगमेंट का आखिरी गाना मैं आपको सुनाता हूँ, ख्वाजा मेरे ख्वाजा। ख्वाजा जी ख्वाजा जी या गरीब नवाज़ या मोइनुद्दीन या ख्वाजा जी या ख्वाजा जी या ख्वाजा जी या ख्वाजा जी ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा शाहों का शातू अले का दुलारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा बेकसों की तकदीर तूने है सवारी तूने है सवारी बेकसों की तकदीर तूने है सवारी
तकदीर तूने है सवारी, तूने है सवारी, बेकसों की तकदीर तूने है सवारी, तूने है सवारी, बाजा मेरे बाजा so much.